क्वेश्चन, इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉमा वाई इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन फोर। तो हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये एक्स इक्वल टू गिवन है ए इंटू ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, जो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इंटू ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और इसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो ये होगा थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। सो इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा का वन होगा, तो वन से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, और इससे ये कैंसिल हो रहा है। सो इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू। अब हम वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये y इक्वल टू दिया हुआ है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन d थीटा इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, सो इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा, और इसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो ये होगा थीटा इंटू डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, थीटा का वन होगा, सो इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये होगा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, सो इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स डी थीटा का वैल्यू आया था ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल एंड साइन बाई कॉस टेन थीटा, और इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये डी डी एक्स टेन थीटा, तो हम यहाँ पर टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा, ये होगा डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा का होगा डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और इसको वन अपॉन डी एक्स अपॉन
डी थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। और डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो है ए थीटा कॉस थीटा, सो इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और ये वन बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन ए थीटा, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। और हमें थीटा की वैल्यू गिवन है पाई बाई फोर, सो वेन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन फोर, सो इक्वल टू सेक क्यूब पाई अपॉन फोर अपॉन ए इंटू पाई अपॉन फोर। और सेक 45 की वैल्यू होता है रूट टू, रूट टू क्यूब अपॉन ए पाई अपॉन फोर, सो और रूट टू का क्यूब होगा टू रूट टू, और इसको इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा फोर अपॉन ए पाई, सो एट रूट टू अपॉन ए पाई आंसर।